तो इस समय हम खड़े हैं ग्राम ग्वालगेड़ा में और आप देख रहे हैं मेरे पीछे पकौड़ियां जो है वो गरम गरम तली जा रही हैं और बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर सब ग्रामीण खड़े थे, पकौड़ियां खा रहे थे और चुनाव की चकल्लत जो है वो जारी थी। हम रुके और उनसे चर्चा करने की बात की। चलिए पहले इनसे ही पूछ लेते हैं, भाई साहब बताएं अब इस समय जो पकौड़ियां आप तल रहे हैं वो तेल क्या भाव है? अब तेल 200 रुपए किलो है। और इससे पूर्व में जो सरकार थी उसमें क्या भाव खरीदा था? उसमें 100 रुपए। 100 रुपए मतलब 100 रुपए का फर्क है। तो क्या लगता है मतलब बढ़िया काम हुआ है इस बार? इस बार बहुत घटिया काम हुआ है। बहुत घटिया काम हुआ है, कहने का मतलब साफ है कि तेल पे महंगाई जो है वो हर किसी के मुंह है। चलिए खैर कोई बात नहीं, कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? लियाकत हुसैन। लियाकत भाई बताइए, आपके यहाँ जो प्रत्याशी है वो बसपा से है अनिल चौधरी, सपा से है फहीम इरफान और भारतीय जनता पार्टी से है परमेश्वर लाल सैनी, किसका माहौल लग रहा है अभी? माहौल साहब अभी तो सब पक्ष में है आदमी, हमारा गांव में कम से कम 1600-1800 का वोट है, यहाँ से साइकिल निकल के जाएगी। तो यहाँ से साइकिल निकल के जाएगी। मतलब अभी आप कह रहे थे कि सब पक्ष में, मतलब त्रिकोणीय चुनाव है क्या? हाँ त्रिकोणीय। तो समझ में नहीं आ रहा? हाँ समझ में नहीं आ रहा, त्रिकोणीय। अच्छा सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? सरकार बनाए, सरकार बस टाइम पे आने पता चलेगा किसकी बने। आप किसकी चाहते हैं? अरे हम तो फिर साइकिल वाले ही हैं। अच्छा आप साइकिल वाले हैं, कहने मतलब है कि वो साइकिल वाले हैं इसलिए साइकिल की सरकार बनाना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? शाहिद हुसैन। शाहिद भाई बताइए क्या लग रहा है आपको कि किसकी सरकार बने? सरकार तो अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश आ रहे हैं? अखिलेश आ रहे हैं पक्का। अच्छा हाँ पक्का अखिलेश आ रहे हैं, उन्होंने मतलब भविष्यवाणी दी थी। आप कुछ करने की जरूरत नहीं, आ गए? नहीं कुछ नहीं, आ गए। अच्छा आ गए। चलिए चाचा को आगे लाइए, थोड़ा सा हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम भरोसे। राम भरोसे, ये राम भरोसे है, इनका नाम बहुत अच्छा है। क्या चाहते हैं, किस क्या लगता है किसका कार्यकाल बढ़िया रहा? 5 साल आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल देखा है, क्या दिखा आपको? भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया रहा मामला। अच्छा मतलब अरे क्या क्या आराम से सो रहे हैं, ढोर खुलने बंद है, सब चोरी चपोटी बंद है। और क्या बेहतरी लगी है? बेटी आराम से निकल रही है रात में, पहले नहीं निकलती थी बेटी। अब सुनो गायवादी बात है गायक है, हम तुम भी खोल रहे हैं? कब वो खोल रहे हैं? फ्री फिर रही है तो 2000 रुपए दे तो रहे हैं, 2000 रुपए दे तो रहे हैं नुकसान पे। लोगों में आपस में विवाद है, वो कोई अच्छाई बता रहा है कोई बुराई बता रहा है। आप अच्छी नीति बताइए भारतीय जनता पार्टी। भाई आज सुरक्षित है, भाई बड़े बढ़िया सो रहे हैं आराम से। आपको इस सरकार में अच्छा लगा कि आप बहुत बढ़िया सो रहे हैं, इसके अलावा और बताइए, ये एक बात हो गई आपकी। आपकी डीबीडियां अच्छी जा रही है और बताइए। आज भी हुआ सिलेंडर कितना खरीद रहे हैं? सिलेंडर 950 का है। अच्छा बढ़िया है, सही है, बढ़िया है। पहले 3-3 दिन में हाथ आवे, तड़के में आवे, तीसरे दिन नंबर आवे। डीजल भैया मोटरसाइकिल चला रहे हैं, डीजल से ट्रैक्टर चलता है मोटरसाइकिल नहीं चलती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खड़े रहिए यहाँ पर। अभी गायों को निकाल के आया, 15 गायों को सिगरेट दिया हूँ बिल्कुल, आप चल कर देख लो सब खाए पड़े हैं। रात भर रखा हुआ है, दिन भर रखा रहे हैं। यहीं पे भेड़वाई के नीचे आप चल के देख लो, तमाम गाय 15 गाय निकाल के आए। उनका कहना है कि उनके खेतों में गाय है, जो आवारा पशु है वो कोई भी हो सकते हैं, उनके खेतों में घुस रहे हैं। जब पैदावार ना होगी तो हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? लेकिन अभी वो चचा कहाँ गए? उनको कहना है कि वो बहुत अच्छी पैदावार है, सबका निकल गए। किसकी सरकार चाहते हैं? अरे भैया अखिलेश की सरकार आएगी, अखिलेश की सरकार आएगी, उन्होंने तय कर दिया। अच्छा आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? अखिलेश की सरकार आएगी जरूर। कौन जीतेगा आपके यहाँ से? अखिलेश। चलो तुम बोलो। कुल मिला के बात करने का मतलब साफ साफ ये है कि पूरे चौक पे जो शोर है, जब 300 रुपए का सिलेंडर था, 350 रुपए का, जब भी सब्सिडी मिल रही थी बराबर, और अब जो मोदी ने जब उस टाइम सिलेंडर फ्री बांटे और तुम्हारे लिए सिलेंडर बढ़ने के बाद जब घर घर सिलेंडर हो गए, तो अब सिलेंडर का रेट इतना, तो लोग लकड़ी जला रहे हैं अपने अपने घर पे। अब बता मतलब मुद्दा जो है वो महंगाई है, मुद्दा महंगाई ज्यादा है, पेट्रोल पे भी और मजदूरी भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब खत्म है मामला। महंगाई ये मुद्दा है, मैं टर्री चलाऊंगा, आवारा पशु कितनी हो गई? भाई बाबोलो का 80 रुपए किलो था, आज 160 रुपए किलो है। हमारे यहाँ पे बोरवेल का काम है सर, समझ देने का काम है। इस सरकार ने बोरिंग करवा नहीं पा रहा है, रिचार्ज नहीं हो रहा है। चल गई, चल गई, चल गई।
नाम है आपका? हमारा नाम राधा जैन। बताइए किसका माहौल है? हमारा तो यकीन आ रहा, दो पहियों की साइकिल अखिलेश हमारा। दो पहियों की साइकिल अखिलेश उनका यही नारा है। के फैक्टम के सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुल मिला के लोगों का जो मुद्दा है वो महंगाई है, बेरोजगारी है और साथ में जो आवारा पशु जो उनके खेतों को किसानों को बर्बाद कर रहे हैं उनका वो मुद्दा अहम है।